नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उषा नहर किचन से आज आपको दूधी का सूप, मतलब आल का सूप, इसको इंग्लिश में बॉटल गॉर्ड बोलते हैं, उसका सूप बनाना बता रही हूँ। ये एक हेल्थी अपेटाइजर है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये बिफोर लंच या बिफोर डिनर लीजिए। इसमें ना प्याज है, आलू है, लहसुन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आल इतना लिया हुआ है, इसके लिए एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 15 पत्ते पुदीने के, थोड़ा धनिया, पाव स्पून काली मिर्च पाउडर और एक थोड़ा सा जीरा, एक चिपटी जीरा, आधा कप आटा, मतलब आधा कटोरी, और ये 2 टेबलस्पून घी है, थोड़ा नमक स्वादानुसार। गैस पे कुकर रखिए, गैस को ऑन कीजिए। इसमें 1 कटोरी पानी डालिए, दूधी को कट कर दीजिए। दूधी में बीज ज्यादा रहे तो ऐसे निकाल देना है, लेकिन मेरी दूधी एकदम कच्ची है इसलिए मैं ऐसे ही कट करके डाल रही हूँ। इसमें बीज नहीं डालना है आपको, वो बीज पके हुए निकाल देने हैं जब आप कट करते हैं। ये आल पूरा डाल दिया है, खरी मिर्च और थोड़ा अदरक। आप अभी अदरक नहीं खाते तो 2 चिमटी अदरक का सूट का पाउडर भी डाल सकते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करना है और 2 विजल आना है, ठंडा होने के बाद ये पक जाएगा तब निकाल के मिक्सी में डालना है। 2 विजल आ गई है, अभी ये कुकर भी ठंडा हो गया है, इसको निकालते हैं। देखो ये बरोबर पक गया है, अभी इसको अपने मिक्सर में डालना है। अभी इसको मैं, थोड़ा पानी है ना इसलिए इसको ऐसे निकाल के पीसना है, बाद में पानी यूज कर लेंगे। धनिया, एक पुदीना, अभी इसको ढक्कन लगा के ग्राइंड करते हैं। देखिए ग्राइंड हो गया है, जो कुकर में पानी था अभी इसमें डाल के अपने मिला देते हैं। अभी सूप बनाना है, इसके लिए कढ़ाई लीजिए, गैस को ऑन कीजिए, घी डालिए, घी गरम होना है, घी गरम हो गया है, गैस को सिम कर दीजिए। अभी थोड़ा सा जीरा डालिए, जो आटा लिया था उसको इसके अंदर डाल के सेकना है। आटा को एकदम ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा हाफ व्हाइट जैसा रहना है। मैंने इसमें और 1 कप पानी डाला है क्योंकि थोड़ा पतला होने से इसमें ग्रेवी अच्छी बैठेगी, नहीं तो गांठ गांठ लग जाती है। अभी धीरे धीरे इसको डाल के चलाते ही रहना है। इसे चलाते ही रहिए, ऐसा लेके आपको ऐसा चलाने से भी अंदर गांठे रहती टूट जाएगी। मेरे को ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा और 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप देखिए, आप सूप के जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए, आप देख के और पानी चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इसको एक उबाला आना है, देखिए उबाला आ गया है, मेरे को थोड़ा और गाढ़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा और पानी डाल रही हूँ। अभी 2-3 उबाला आना है क्योंकि मैंने पानी डाला है इसलिए। अपनी दूधी या आल उबली हुई थी, आटा कच्चा था तो आपने थोड़ा कम सेखा ना, इसलिए इसको थोड़ा उबालना है। ये अभी उबल गया है, इसके अंदर अभी ये काली मिर्ची स्वाद अनुसार डालिए और ये नमक भी। नमक डालने के बाद आप एक बार टेस्ट कर दीजिए, आपको और चाहिए तो और डालिए। देखिए दूधी मतलब आल का सूप रेडी है, अभी इसको बाउल में डाल के सर्व कीजिए और गरम गरम पीजिए। फ्रेंड्स, हेल्थी और टेस्टी दूधी का मतलब आल का सूप रेडी है, इसको बनाइए। ये विटामिन से भरपूर है इसलिए कोई भी बीमार पड़े तो ये गर्मा गर्म आप इसको दीजिए, ये जल्दी से जल्दी बनता है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर और फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।